हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशंस को। लास्ट टाइम हमने ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया था जो एग्जैक्ट नहीं थी, लेकिन उन्हें किसी ना किसी रूल की मदद से हम एग्जैक्ट बना सकते। और अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट भी ना बने तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आज मैं आपको रिवाइज करवाऊँगा सारे मैथड्स जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं, और मैं एक क्वेश्चन पिक करके उसमें बारी बारी सारे मैथड्स को अप्लाई कर देखेंगे कि कौन सा अप्लाई होता है और कौन सा नहीं होता है। और जब कोई भी मेथड अप्लाई नहीं हो पाएगा तो हम उसको कोशिश करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंशियल से सॉल्व करने की। मेथड ऑफ डिफरेंशियल जो है वो वैसा ही है जैसे कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस थी। जब हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो हम कहते ये थे कि बेसिकली हमारी पूरी की पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल बन गई है, यानी किसी फंक्शन एक्स वाई एफ ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल जो है वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अगर ऐसा हो गया है तो हम कहते थे कि इस डिफरेंशियल का इंटीग्रल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल ना बन सके, तो फिर हम कोशिश करते हैं कुछ पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंशियल्स बन जाएं। पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर किसी एक फंक्शन का डिफरेंशियल ना बन सके, हम कोशिश करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के जो पार्ट्स हैं कुछ अलग अलग टर्म्स जो हैं वो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल बन जाए। उसके लिए तीन डिफरेंशियल जो हैं वेल नोन जो आपको याद रखने हैं। एक डिफरेंशियल आपको याद रखना है x इंटू y का डिफरेंशियल, बहुत आसान सी बात है, प्रोडक्ट रूल से जैसे डेरिवेटिव लेते हैं वैसे ही डिफरेंशियल होते हैं। x का डिफरेंशियल dx, y साथ में एज इट इज, प्लस x और y का डिफरेंशियल dy। तो अगर कहीं आप देखें डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई एक पार्ट जो है वो y dx प्लस x dy है या x dy प्लस y dx है तो आप उसे डिफरेंशियल ऑफ x y लिख लें। दूसरा डिफरेंशियल जो आपको याद रखना है वो है डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y। क्वेश्चन रूल से क्या नीचे आएगा y का स्क्वायर, ऊपर आएगा y एज इट इज x का डिफरेंशियल dx माइनस x और y का डिफरेंशियल dy। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें कि किसी एक जगह पे y dx माइनस x dy ओवर y स्क्वायर है, नीचे y स्क्वायर है और ऊपर y dx माइनस x dy है, तो आप उसको डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y लिख लें। इसी तरह से एक और रूल बना सकते हैं आप डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x का, उसमें क्या होगा नीचे x स्क्वायर होगा और ऊपर क्या होगा, ऊपर जो है हमारे पास x dy माइनस y dx होगा। या दूसरे अल्फाज में आप ऐसे कह लें कि अगर आपके पास x dy माइनस y dx हो, दो में से कोई एक भी हो, तरतीब हम बदल सकते हैं, कोई ऐसी हर्ज की बात नहीं है। अगर आप y स्क्वायर से डिवाइड कर दें इसको तो डिफरेंशियल ऑफ x ओवर y बन जाएगा, और अगर x स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो डिफरेंशियल ऑफ y स्क्वायर बन जाएगा, थोड़ी सी तरतीब का ख्याल रखते हुए। तो ये तीन डिफरेंशियल्स के फार्मूला ही आपने याद रखने हैं। अगर पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसके पार्ट्स को एग्जैक्ट बना लेंगे, यानी पार्ट्स को डिफरेंशियल्स बना लेंगे, या एक्स वाई का या एक्स ओवर वाई का या वाई ओवर एक्स। फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हुए जब भी पेपर में हमें आएगी हमें नहीं मालूम होगा कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम उसको सबसे पहले देखेंगे क्या वो सेपरेबल है। सेपरेबल आपको याद होगा जिसमें सारे x dx के साथ आ जाएं और सारे y dy के साथ आ जाएं। अगर ऐसी हो जाए तो हम उसे सेपरेबल वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल ना हो तो हम देखेंगे क्या वो होमोजीनियस है। कैसे पता चलता है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के होमोजीनियस होने का? अगर आपने उसको dy by dx equal to f over g की फॉर्म में लिख दिया है और f और g जो हैं वो दोनों होमोजीनियस फंक्शन है सेम डिग्री के, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होती है और हम उसे होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आसानी से पता चल जाती है। मैंने उसको याद रखने का मेथड आपको बताया था कि अगर आप देखें कि f और g की हर टर्म में जो वेरिएबल्स की पावर्स का सम है अगर वो सेम है तो वो होमोजीनियस है, आप उसे होमोजीनियस वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने देखा क्वेश्चन, आपने उसको कोशिश की हल करने की सेपरेबल वाले मेथड से, नहीं हल हो रहा था, आपने उसे देखा वो होमोजीनियस नहीं है, आप देखें क्या वो इस शेप का है। अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप की है तो आप उसको, यानी
डी वाई बाई डी एक्स की राइट साइड पर ऊपर और नीचे लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप उनको दो मेथड सीखे थे हमने, उनमें से किसी एक मेथड से सॉल्व हो जाएगी वो, या तो एक्स के कोफिशिएंट्स और वाई के कोफिशिएंट्स की रेशियो सेम होगी या डिफरेंट होगी और सॉल्व हो जाएगी। अगर ये मेथड भी अप्लाई नहीं हो रहा तो आप देखें क्या डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप की है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप उसे लीनियर वाले मेथड से सॉल्व कर लें। अगर आप देखें वो लीनियर भी नहीं है तो क्या वो इस शेप की है, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो बर्नौली है तो उसे बर्नौली वाले मेथड से सॉल्व कर लें। अगर इनमें से किसी शेप की भी नहीं है और आप उसको अरेंज करें एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की शेप में, आप उसके लिए एम वाई और एन एक्स मालूम करें, अगर आप देखें कि एम वाई और एन एक्स सेम है तो वो एग्जैक्ट है, उसे एग्जैक्ट वाले मेथड से सॉल्व कर लें, और अगर एम वाई और एन एक्स सेम नहीं है तो उसे किसी ना किसी रूल से एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करें, उसके लिए मैंने आपको तीन रूल सिखाए हैं। और अगर ये भी कोई रूल कामयाब ना हो तो फिर आप उसे मेथड ऑफ डिफरेंशियल से सॉल्व करने की कोशिश करें। दोबारा दोहरा देता हूँ, जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आए तो आप उसे कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, हो सकता है आपको याद आ जाए एग्जैक्टली कि ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, इस मेथड से सॉल्व किया था, और अगर एग्जैक्टली याद ना आए आपको या कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसको आपने पहले सॉल्व नहीं किया हुआ, अगर वो फर्स्ट आर्डर की और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप उसको इस तरतीब से चेक करते चले जाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं उन पे ये सारे इस सारी तरतीब को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि किस मेथड से सॉल्व होती है। एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, और हमने इसको सॉल्व करना है। कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमें फ़िलहाल कुछ मालूम नहीं है कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है, ये सारे मेथड्स हैं जो हमने सीखे हैं, इनको बारी बारी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि किस मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहले मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखता हूँ, क्या ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सारे एक्स और वाई सेपरेट होने चाहिए, सारे एक्स डी एक्स के साथ जाने चाहिए, सारे वाई डी वाई के साथ जाने चाहिए। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म है, अगर मैं डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ वाई स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर है ये डी एक्स के साथ से सेपरेट नहीं हो सकता, मैंने डिसाइड कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेबल नहीं है। क्या ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस के लिए हमने देखना ये है कि हर टर्म में एक्स और वाई की पावर्स का सम सेम हो, इस टर्म में एक्स की पावर 1 है, इस टर्म में वाई की पावर 1 है, ठीक है, इस टर्म में एक्स की पावर 2 है, यहाँ तक पावर 1 थी, यहाँ पर इस टर्म में डी एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की पावर 2 है, सब टर्म्स में एक्स और वाई की पावर्स का सम सेम नहीं आ रहा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस भी नहीं है। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस शेप की है, इस शेप में डी वाई बाई डी एक्स के अलावा बाकी लीनियर एक्सप्रेशन होनी चाहिए, क्या इसमें लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स की इस शेप में कन्वर्ट भी करूं तो लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर मौजूद हैं, यानी ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस मेथड से भी सॉल्व नहीं हो सकती। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, लीनियर के लिए इसमें वाई और वाई के डेरिवेटिव होना चाहिए, y और y का डेरिवेटिव मल्टीपल नहीं होना चाहिए, और y के डेरिवेटिव की पावर 1 होनी चाहिए, y की और कोई एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसको dy by dx बना लूँ तो dy by dx बनाने के बाद भी इसमें y भी मौजूद है और y का स्क्वायर भी मौजूद है, यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर मैं इसको कोशिश करूँ और मैं इसको dx से डिवाइड कर दूँ तो ये बन जाएगा x dy by dx माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या ये लीनियर है, ये वाई है और ये वाई का स्क्वायर भी है, ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है तो क्या ये बर्नौली है, बर्नौली में होता है कि वाई की पावर भी आ सकती है, वाई का स्क्वायर देखकर हो सकता है आपको लगे बर्नौली है, लेकिन कुछ हद तक ये लीनियर जैसी शेप है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर ऐड ना हो रहा होता तो फिर ये बर्नौली, बर्नौली में होता ये है कि y की पावर के साथ x वाली रकम मल्टीप्लाई हो सकती है, यहाँ y की पावर के साथ x वाली रकम ऐड हो रही है, ये लीनियर भी नहीं है, ये बर्नौली भी नहीं है। इसके बाद क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है,
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो पहले तो इसकी ये शेप होनी चाहिए, पहले इसकी ये शेप बनाते हैं। उसके लिए थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं हम, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx, इस टर्म को और इस टर्म को उधर ले जाते हैं, हमारे पास बन जाएगा dx के साथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस y dx, माइनस y dx उधर जाकर प्लस हो जाएगा और x dy माइनस हो जाएगा। मैंने इसको शेप बना ली है कौन सी, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली। क्या ये जो मैंने इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली शेप बना ली है, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? उसके लिए ये जो मेरे पास इस वक्त m है, इस m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं और जो n है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं। एम वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया 2y प्लस 1, एन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया माइनस 1। क्या सेम आए? बिल्कुल भी नहीं, यानी ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है। क्या इसे एग्जैक्ट बनाया जा सकता है? उसके लिए हमारे पास तीन रूल्स हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं हल करने लगा हूँ एम वाई माइनस एन एक्स। एम वाई में से जब मैंने एन एक्स को माइनस किया तो ये 2y प्लस 2 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें, अंदर y प्लस 1 रह जाएगा। अगर रूल 1 अप्लाई करना है, अगर मैं इसको m से डिवाइड करूं तो इसमें से y ख़त्म होना चाहिए, लेकिन y ख़त्म नहीं हो रहा। अगर मैं इसको m से डिवाइड करूं तरतीब चेंज करके तो x ख़त्म होना चाहिए, लेकिन वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। जो तीसरी टाइप है उसमें dx के साथ से y कॉमन आकर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनना चाहिए और n में से x कॉमन आकर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनना चाहिए। क्या ऐसा है? इसमें से y नहीं कॉमन आ रहा, इसमें से गो के x कॉमन आकर फंक्शन एक्स वाई का बन सकता है, लेकिन यहाँ से y कॉमन आकर अंदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई बनना चाहिए था, वो नहीं बन रहा। यानी जितने मेथड मेरे पास थे वो सारे मेथड फेल हो गए हैं, मैंने टर्न बाय टर्न हर मेथड को चेक कर लिया है। ये मैंने क्यों चेक करवाया है फिर बता दूँ, मैंने इसलिए चेक करवाया है कि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो हमें नहीं मालूम कौन सी एक्सरसाइज का है, या हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो, बुक वाले क्वेश्चन में से ना हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो मैंने आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस करवा दी है। जब कोई मसला हल ना हो तो आप कोशिश करें कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो डिफरेंशियल्स बन रहे हैं। उसके लिए मैंने आपको तीन डिफरेंशियल जो है वो याद करवाए बताए हैं, उन तीन डिफरेंशियल्स को बनाने की कोशिश करते हैं। ये तीन डिफरेंशियल्स आपको याद रखने हैं और जब किसी भी मेथड से कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ना सॉल्व हो सके तो आपने कोशिश करनी है उसके कुछ पार्ट्स जो हैं वो इनमें से कोई डिफरेंशियल बन जाए। जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को गौर से देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर जो है वो इस तरह की शेप बन रही है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स के नीचे अगर एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स बन जाएगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ कि इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। जब मैं राइट साइड को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर 1 बन जाएगा और यहाँ पर वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये डी एक्स एज इट इज। लेफ्ट साइड पूरी की पूरी इस फार्मूले के मुताबिक डिफरेंशियल ऑफ वाई ओवर एक्स बन गई है। कोई मुश्किल नहीं है इस फार्मूले को याद रखना, डेरिवेटिव्स के साथ सही है और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस वाई ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप वाई ओवर एक्स को एक वेरिएबल समझें, जैसे यू समझ लें, चाहे बाकायदा पुट कर लें, तो ये डिफरेंशियल ऑफ यू है और ये 1 प्लस यू का स्क्वायर है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक वेरिएबल u है और एक वेरिएबल x है और ये वेरिएबल u और x में सेपरेबल बन रही है। आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 1 प्लस y ओवर x के स्क्वायर को लेफ्ट पर ले आए, 1 ओवर 1 प्लस y ओवर x का स्क्वायर हो गया डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x और राइट साइड पर रह गया सिर्फ डिफरेंशियल ऑफ x। ये सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। मैंने कहा आप y ओवर x को u सब्स्टिट्यूट कर लें या जहन में रखें कि ये डिफरेंशियल ऑफ u है, ये 1 ओवर 1 प्लस u स्क्वायर है, फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ओवर 1 प्लस y ओवर x का स्क्वायर डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x, डिफरेंशियल ऑफ y ओवर x और dx।
मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया y ओवर x को जहन में u लेते हुए, और लेफ्ट साइड पे मेरे पास 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वेयर और du है। 1 ओवर 1 प्लस यू स्क्वेयर के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि 1 ओवर ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो तो इंटीग्रल होता है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, और साथ में 1 ओवर a भी होता है, 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। ये फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन के लिए, तो 1 ओवर a यहाँ पर कितना है 1 है, 1 ओवर 1 टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, y ओवर x, और a 1 है, और राइट साइड पे 1 का इंटीग्रल x और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है, ये जनरल सॉल्यूशन है। आप इसका टेंजेंट इनवर्स ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म कर लें, अगर आप इसमें टेंजेंट इनवर्स ख़त्म करना चाहते हैं तो y ओवर x इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस c हो जाएगा। टेंजेंट इनवर्स की डेफिनेशन हमने यूज़ कर ली है, x राइट पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इज इक्वल टू x टेंजेंट ऑफ x प्लस c आ जाएगा। यही मेरे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। आज मैंने आपको सिखाया है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं सॉल्व किया हुआ तो आप उस पर सारे मेथड्स किस तरतीब से अप्लाई करेंगे, और जब कोई भी मेथड आपका कामयाब नहीं होगा तो आप कोशिश करेंगे कि उसके पार्ट्स के डिफरेंशियल्स बना लिए जाएं, और डिफरेंशियल के लिए आपको तीन फार्मूले जो हैं वो याद रखने हैं। एक क्वेश्चन मजीद करते हैं, एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 11 है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इस पर ये सारे मेथड्स इस तरतीब से अप्लाई करके देख लें, मैंने देखे हैं, एक में मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, इनमें से कोई मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा तो मैं कोशिश करने लगा हूँ इस पे मेथड ऑफ डिफरेंशियल्स अप्लाई करने की। और मेथड ऑफ डिफरेंशियल्स में मुझे ये तीन डिफरेंशियल्स याद रखने हैं। मैं पहले ज़रा इनको मल्टीप्लाई करता हूँ और देखता हूँ क्या कहीं पे कोई इस तरह की एक्सप्रेशन बन रही है वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, या वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, या एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इन दो को तो मैंने कहा है आपको तरतीब आगे पीछे हो सकती है, आप चाहे तो माइनस कॉमन लेकर बना सकते हैं। पहले ज़रा डी एक्स और डी वाई अलग अलग करते हैं हर टर्म में और देखते हैं कोई ऐसी शेप बन रही है या नहीं बन रही है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी, वाई डी एक्स फर्स्ट टर्म आ गई, माइनस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स आ गया, प्लस एक्स डी वाई आ गया, और प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया। यहाँ पर जब मैं गौर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास ये वाई डी एक्स और ये एक्स डी वाई का सम आ रहा है, और वाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई को मैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बना सकता हूँ। तो मैं इन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, और बाकी ये जो दो टर्म्स हैं इनको भी हम कोशिश करते हैं कि हम एक्स वाई की शेप दे लें। लेकिन अभी अगले स्टेप में ज़रा एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। पहली जो दो टर्म्स हैं हमारे पास ये दोनों डिफरेंशियल बन गई किसका, एक्स इंटू वाई का। बाकी जो रकमें हैं क्या वो इनमें से कोई एक शेप बन रही है वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, नहीं, इनमें से कोई शेप भी नहीं बन रही। ये जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बना है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ सोचते हैं। ये जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई बना है अगर इसके साथ कोई भी एक्स वाई वाली रकम आए तो एक्स इंटू वाई को आप यू समझते हुए सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दूं एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से, तो डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर से। फर्स्ट टर्म में 1 ओवर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई आ गया। जब हम सेकेंड टर्म को एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे 1 ओवर एक्स डी एक्स आ जाएगा। इस थर्ड टर्म को एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे तो डी वाई इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब बहुत आसान सी बात हो गई है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसमें आप एक्स वाई को यू समझ लें, ये एक किस्म की वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है। इसको हम एक्स वाई का स्क्वेयर नीचे लिख लें या हम इसको ऊपर लिख लें तो एक्स वाई की पावर माइनस टू हो गई और डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई आ गया। एक्स वाई को आप एक वेरिएबल यू समझ लें तो ये यू की पावर माइनस टू और डी यू हो गया।
आसानी से इंटीग्रेशन हो सकती है। कैसे कि इस एक्स वाई की पावर को एक इंक्रीज़ कर लें, माइनस टू से एक इंक्रीज़ करेंगे तो माइनस वन हो जाएगी, उस माइनस वन से डिवाइड भी कर दें। इसमें सेकंड में इंटीग्रल ले लेते हैं वन ओवर एक्स डी एक्स, बहुत आसान सी इंटीग्रेशन है। वन ओवर एक्स के इंटीग्रल का फार्मूला याद है लॉग एक्स, और एक बात कन्फर्म है जब भी लॉग ले लिया है ऑब्वियसली अब लॉग के अंदर वाली एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ आप लिख सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन जीरो है। और थर्ड टर्म डी वाई, और डी वाई का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और राइट साइड पे जीरो का इंटीग्रल सी, और यही हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया है। आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन ओवर एक्स वाई माइनस लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। अगर आप इसकी फ्रैक्शंस ख़त्म करना चाहते हैं तो इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लें। जब आप इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये माइनस वन आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके माइनस एक्स वाई लॉग एक्स हो जाएगा, और इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई का स्क्वेयर, और राइट साइड पर सी इंटू एक्स वाई। अगर आप चाहें तो प्लस की टर्म पहले और माइनस की टर्म्स बाद में लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, माइनस का सी एक्स वाई इधर ले आए, और माइनस वन इक्वल्स टू ज़ीरो, और यही हमारे पास क्या आ गया, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन आ गया। तो बाज़ का ऐसा भी होता है कि कोई डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं हो रहा होता, आप डिफरेंशियल्स बना सकते हैं, और डिफरेंशियल्स बनाने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तीन डिफरेंशियल्स के फार्मूला ही आपको याद रखने हैं, और बवक्त ज़रूरत अगर आप देखें कि किसी इक्वेशन के अंदर इनमें से कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो उसको अप्लाई कर लेना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज को।